रुक जा, स्क्रॉल करना बंद कर, ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। क्या कहा था जनवरी में? वेट लॉस करूंगा, मैं फैट लॉस करूंगा, हेल्दी बनूंगा, एनर्जी चाहिए मुझे, अपनी डेली रूटीन सुधारनी है मुझे, बोला था ना ये सब तूने अपने आप को, याद कर। फिर शायद जिम भी ज्वाइन किया था, फिर 10-15 दिन के बाद मोटिवेशन कम हो गई, फिर अच्छा खाना भी छोड़ दिया, और आज किस स्टेट में है? वहीं जहाँ से जनवरी में शुरू किया था। 9 महीने खत्म हो चुके हैं, 3 महीने 90 डेज आर लेफ्ट फॉर 2023 टू एंड। क्या चाहता है? जब 2024 जनवरी आए फिर ये सब बोले तू अपने आप को, और फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज करे कुछ महीने बाद। देख, पूरी तेरी गलती नहीं है। हुआ क्या, जब तूने स्टार्ट में अपने आप को बोला था तू बहुत मोटिवेटेड था, अब टाइम के साथ प्रायोरिटीज बदली, काम आया, लाइफ हैपेंड, प्रायोरिटीज चेंज, हेल्थ नो लॉन्गर बिकेम अ प्रायोरिटी। अब समझ बात को, मोटिवेशन से चेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है। डिसिप्लिन, हैबिट्स, ये डेवलप करना पड़ता है हेल्थ को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने के लिए, समझा? फिर दिमाग लगा, ध्यान से सुन, बहुत बार हो चुका है ये तेरे साथ, खुद से जब ट्राई किया, अगर करना होता तो अभी तक कर लेता ना, समझ आ रही है? यू नीड अ कोच, यू नीड अ राइट डायरेक्शन, यू नीड समबडी टू गाइड यू, दिस इज द राइट थिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज खुद के अंदर की विल, कि करना है मुझे, जो मैं बोलता हूँ खुद को वो मैं करता हूँ। इससे पता है कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है? इफ यू आर समबडी हु वॉन्ट्स टू ट्रांसफॉर्म दिस ईयर, मेक 2023 द ईयर विच इज द ईयर ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर हेल्थ बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। आई विल बी हैंड होल्डिंग 5 पीपल टू रीच देयर ड्रीम फिजिक इन द नेक्स्ट 90 डेज। अगर तेरे में दम है ना ट्रांसफॉर्म करने का, आई एम देयर टू स्टैंड बाई योर साइड इन ईच स्टेप ऑफ द जर्नी एंड टेल यू कैसे हर स्टेप लेना है टू मेक दिस अ लाइफ स्टाइल चेंज फॉर यू, ताकि तू एक बार फिट हो और फिर हर साल फिट होने का गोल ना बनाना पड़े। फिटनेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। इफ यू आर समबडी हु थिंक्स दे कैन डू दिस फॉर देमसेल्व्स, डीएम मी द वर्ड transform and I will see you on the other side of your transformation.